दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ओपन करने के चक्कर में, उनमें कारीगरी और मिस्त्रियाना करने के चक्कर में कितने लोग जो है अपने मम्मी पापा से मार खा चुके हैं? क्योंकि इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जब मेरे पापा इस वीडियो को देखेंगे तो वो कसम से मुझे बहुत कुछ सुनाने वाले हैं कि मैंने इस अच्छे खासे आईपी कैमरे का क्या कबाड़ा कर दिया। आई होप मैं डांट ना खाऊं यार इसकी वजह से। हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर शोराब, देख रहे हैं आमिर टेक्सूर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने आईपी कैमरा को ओपन करूंगा और चेक करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे और आपके जानने के लायक हैं। दोस्तों, इस आईपी कैमरा में यहाँ पर लगा हुआ है एडीआर सिस्टम, जिसकी वजह से अगर इस कैमरे के आसपास अंधेरा होता है तो ये अपने आप ही इसकी आईआर एलईडीज को ऑन कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस डॉट पर रखता हूँ उंगली, जिसकी वजह से इस कैमरे को महसूस होगा कि हाँ यार, यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, अब मुझे आईआर एलईडीज को ऑन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे ढक लेता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अभी आपको जो दिख रहा है वो है आई आर एलईडीज ऑन हो चुकी है। मैं इसको हटा लेता हूँ उंगली ताकि ये ऑफ हो जाए। तो यहाँ से एक आवाज़ आती है जब मैं वापस से इसे यहाँ पर अपने माइक के पास रखने वाला हूँ ताकि वो खच की आवाज़ मैं आपको सुना सकूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ तो एक खच की आवाज़ आती है। तो बस इसी चीज़ को जानने के लिए मैं मजबूर हो चुका हूँ यार कि इसमें ऐसा क्या है, क्या इसमें कोई रिले है, क्या इसमें कोई मोटर लगी हुई है जिसकी वजह से इसमें से ये आवाज़ आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोई मूविंग पार्ट तो है। और एक आईपी कैमरा में मूविंग पार्ट का होना, अगर ये 360 वाला कैमरा हो तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे फटाफट से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें हमारे आपके जानने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, अब इसके सारे स्क्रू जो है वो निकल चुके हैं और अब मैं इसे ओपन करने वाला हूं, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या नीचे है। तो भाई, आपको यहां पर मिलता है एक छोटा सा स्पीकर, जो कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये कैमरा आपको टू वे डायरेक्शन में बात करने के लिए आपको मिल जाता है। यानी कि अगर आप दूर दराज कहीं कैमरे से दूर हैं और इसे आप कहीं मॉनिटर कर रहे हैं तो आप दूर से ही इस कैमरे पर सामने खड़े इंसान के साथ आप बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाता है आपको और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक माइक मिल जाता है। चलिए, ये तो हो गया साइड में, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर ताकि मैं इस कैमरे को और थोड़ा सा बाहर खींच सकूँ। तो स्पीकर का जैक निकाल लेने के बाद ये हो जाता है बिल्कुल अलग। अब आप खुद सोचिए कि इस छोटे से आईपी कैमरा में हीट सिंक की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर एक है आईसी, जिसे हीट होने से बचाने के लिए इस पर एक हीट सिंक लगा दिया गया है इसकी सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है एक रीसेट बटन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई इसमें एक रीसेट बटन भी है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल सुई की मदद से ही जान सकते हैं कि हाँ, अंदर एक रीसेट बटन है, क्योंकि आपको यहाँ से उस सुई को इंसर्ट करना होता था जो कि इस रीसेट बटन को प्रेस करती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि आपका ये कैमरा दोबारा से रीसेट हो जाता था। यहाँ पर आपको मिलता है एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट, फिर आपको मैंने बताया है कि माइक लगता है यहाँ पर। एक और चीज़ जो बहुत ही छोटी है, इसका वाईफाई मॉड्यूल। वैसे तो वाईफाई मॉड्यूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसका वाईफाई मॉड्यूल काफ़ी छोटा है। तो अब इसे और थोड़ा अंदर तक खोल लेते हैं, देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं। तो दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं वो है इस कैमरे का लेंस मॉड्यूल, यानी कि इसका जो लेंस वाला सिस्टम यहाँ पर फिट है, और यहाँ पर है वो एलईडीज जो कि आईआर एलईडीज होती हैं, ये अंदर जो आप सर्किल देख रहे हैं जिस पर ये रिबन लगी हुई है, वायर रिबन। तो इन्हीं आईआर एलईडीज की मदद से हम लोग अंधेरे में भी लोगों को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके इस आईआर एलईडी के पैनल को भी निकाल लेते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा इस बॉडी में, और ये रहा वो रबड़ जो कि इस लेंस को थोड़ा सा हिलने से प्रोटेक्ट करता है। तो इसे भी कर देते हैं साइड में, और यहाँ पर आपको जो है मैजिक मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाती है 10 आईआर एलईडीज, एक सेंसर आईआर के लिए और एक इस पूरे आईपी कैमरा के लिए इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। कुछ खास होता नहीं है जिसकी वजह से ये कैमरे इतने सस्ते होते हैं, लेकिन हाँ भाई, इसका वर्क बहुत ही खास है। सीरियसली, अगर इस कैमरे के यूजर्स के बारे में बात की जाए तो भाई यार, ये बहुत ही ढांसू कैमरा है। इतने कम प्राइस में, यानी कि 1000 रुपये के अंदर अंदर आपको ये कैमरा मिल जाता है बैंगवुड पर। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में जा कर के इस कैमरे को परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बाई करने का लिंक है।
दोस्तों जो चीज़ हम लोग यहाँ ढूंढने आए थे कि इसमें कोई मूविंग पार्ट है, तो यार कोई भी ऐसा मूविंग पार्ट ना तो हमें दिखा और ना ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक और ख़ास बात कि यहाँ पर जो वाईफाई का जो एंटीना है, उस एंटीना को यहाँ पर इन लोगों ने इस तरह से टांग रखा है, यानी कि दो टांके लगा करके, दो सोल्डरिंग करके इस एंटेना को यहाँ पर इन लोगों ने टांगा हुआ है, जो कि वाईफाई मॉड्यूल यहाँ पर है लेकिन एंटेना इसका सामने दिया हुआ है। तो इससे पहले कि ये और ज़्यादा बर्बाद हो जाए, मैं इसे पैक कर दूँ ताकि मैं इसे यूज़ में ले सकूँ अपने लिए। जिस चीज़ की तलाश में मैंने इसे ओपन किया था वो तो हमें मिला नहीं, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। और ये कहीं ना कहीं इसके लिए अच्छा भी है, क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर ये इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो इसकी लाइफ भी काफ़ी हद तक अच्छी है, और अगर मूविंग पार्ट होता तो वो बहुत जल्दी रन 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 करके ख़राब हो जाता। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो यार तो लाइक कर दो, लाइक नहीं करोगे ना, मुझे पता है लाइक नहीं करोगे। आजकल यार गरीब होता जा रहा हूँ वीडियो में लाइक पाने के लिए। सब लोग बोलते हैं यार तुमको लाइक ही नहीं मिल रहा है यार। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और गैजेट के साथ या फिर किसी और सर्किट बोर्ड के साथ। अभी के लिए बाय 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 बाय। आई होप मैं डांट ना खाऊं यार इसकी वजह से।